हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स में। भाई लोग, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे T20 मुकाबले के बारे में। कहां पर होगा मुकाबला, कैसा रहेगा पिच, कौन सा टीम किसके ऊपर भारी पड़ने वाला, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बड़े ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में, तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट मैसेज करो, वहां से भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा दूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको टॉस मैच सेशन गुड एक्यूरेसी के साथ सब कुछ फ्री देखने को मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम फ्री प्रिडिक्शन के साथ। तो बिना समय गवाए जल्दी से ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंग्लैंड का दूसरा T20 का मुकाबला आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 13 सितंबर को शाम के 7 बजे से देखने को मिलेगा और ये मुकाबला सोफिया गार्डन कार्डिफ में खेला जाएगा। दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इन दोनों के लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इंग्लैंड ने 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में जीत और बाकी के 3 मुकाबलों में इसे हार का सामना करना पड़ा है और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में जीत और सिर्फ 1 मुकाबला हारी है। इन दोनों की हेड टू हेड T20 के बारे में बात, यहाँ पर इन दोनों ने T20 में 24 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 11 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 11 मुकाबला इंग्लैंड ने जीते हैं और वहीं दूसरी तरफ 11 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया हारी है और 11 मुकाबला इंग्लैंड भी हारी है और 2-2 मुकाबले ऐसे रहे जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकला था और टाई एक भी मुकाबला नहीं हुआ है। वेन्यू की बात करूं तो सोफिया गार्डन कार्डिफ आने वाला है। अब बात करते हैं वेन्यू स्टेट्स के बारे में। यहां पर पिछले 10 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20% मुकाबला जीती है और पहले गेंदबाजी करते हुए 80% मुकाबला जीती है। ऐसे में इस वेन्यू पर जो भी टीम का कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेगा क्योंकि यहाँ पर पहले गेंदबाजी करके मुकाबला जीतने के चांसेस हाई है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 149 रन, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 141 रन, हाइएस्ट टोटल के बारे में बात करें तो 207 रन, लोएस्ट टोटल 89 रन, हाइएस्ट चेज इस मैदान पे 175 रन किए गए हैं और लोएस्ट डिफेंड इस मैदान पे 111 रन। अब बात करते हैं सोफिया गार्डन की पिच रिपोर्ट के बारे में। यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है, जैसा कि पिछले T20 मैचों में पहली पारी के औसत स्कोर 133 से पता चलता है। सोफिया गार्डन कार्डिफ में पिछले T20 मैचों का स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर 140 से नीचे का स्कोर 7 बार रहा है, 200 और 249 के बीच का स्कोर यहाँ पर 4 बार रहा है, 140 और 180 के बीच का स्कोर यहाँ पर 2 बार रहा है और 180 से ऊपर का स्कोर यहाँ पर 1 बार रहा है। ऐसे में इस पिच पर आपको मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी प्रेडिक्शन टॉस मैच सेशन के लिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक से ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल और इस लीग और हर लीग में अपना ड्रीम पूरा कर लो मेरे भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।